मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, पर ये बात बोलने में मैंने तुमसे बहुत देर कर दी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करता। ये बात कब बोलता तुमसे कि तुम जो कह रही हो वो सच है। मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं तुम्हें चुनूं या अपनी बहन को। और एहसास कुछ सोचने समझने की ताकत देते नहीं। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया, लेकिन मैं जानता था कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। मुझे महसूस हो रहा था कि तुम जो कुछ भी कह रही हो एकदम सही है, लेकिन नहीं बोल पाया तुमसे। कि पहले भी बोल चुके हैं, कुछ और कहना है या? हाँ कहना है। तुम मेरे घर में आई सई की मां बनके, हमने एक शादी की मेरी बच्ची के लिए, सई के लिए। तुमने उसका ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके चेहरे पर जो स्माइल लेकर आई तुम, शायद मैं कभी नहीं ला पाया। तुमने उसे इतना प्यार किया कि उसकी सगी माँ उससे नहीं कर पाई। तुमने मेरी बेटी के लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं फेल हो गया। फिर से फेल हो गया तुम्हारे एहसासों को, तुम्हारे जज्बातों को समेटने में। फेल हो गया तुम्हें प्रोटेक्ट करने में, तुम्हारी हिफाजत करने में। तुमने मुझसे उम्मीद लगाई, भरोसा दिखाया मेरे ऊपर, मैं फेल हो गया। लेकिन मैं अपने इस फेलियर से शर्मिंदा हूं। जिंदगी भर कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती थी। जानता हूं यह फैसला तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल है, अगर तुम मुझे माफ कर पाओ तो प्लीज घर लौटा। सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, पापा, रिद्धि, लकी, मैं। अगर तुम्हें नहीं चलना तो ये तुम्हारा अपना फैसला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन तुमसे फिर से कहना है कि I'm sorry। हो सके तो मुझे माफ कर दे। अगर अकेले ही जाना था तो आए क्यों थे? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।